नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज का पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:18 तक रहेगी। आज शाम 6:35 तक धृत योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पार करके भोर 4:28 तक मघा नक्षत्र रहेगा। आज प्रदोष व्रत किया जाएगा, आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 24 मार्च की सुबह 9:56 से अगली सुबह 6:01 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 24 मार्च की सुबह 7:34 से अगली सुबह 6:01 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 मार्च को सुबह 7:10 से दोपहर 12:55 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 10 अप्रैल की सुबह 9:46 से दोपहर 2:21 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 4 अप्रैल की शाम 4:14 से शाम 7:18 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 मार्च की सुबह 7:40 से दोपहर 1:25 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर बाद 3:46 से रात 10:39 तक भी रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 मार्च की दोपहर 2:56 से शाम 7:53 तक रहेगा, और एक बार फिर रात 10:13 से अगली सुबह 5:45 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 मार्च की सुबह 9:36 से दोपहर 12:55 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 मार्च की सुबह 7:10 से दोपहर 12:55 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय कल यानी कि 23 मार्च की दोपहर 2:49 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:57 से दोपहर 12:28 तक। मुंबई,
दोपहर पहले 11:14 से दोपहर 12:45 तक, चंडीगढ़ सुबह 10:58 से दोपहर 12:29 तक, लखनऊ सुबह 10:42 से दोपहर 12:13 तक, भोपाल सुबह 10:56 से दोपहर 12:27 तक, कोलकाता सुबह 10:12 से दोपहर पहले 11:43 तक, अहमदाबाद दोपहर पहले 11:15 से दोपहर 12:46 तक, और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 10:45 से दोपहर 12:16 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। पारिवारिक मसलों को सुलझाने के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं। आपकी व्यावसायिक इच्छाएं पूरी होंगी। आप मनपसंद व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इस दौरान आपको अपने खर्चे पर नजर रखने की जरूरत है। आप अपने काम पर फोकस रखते हुए अपने खान पान पर भी ध्यान देंगे। लवमेट के साथ आपकी आपसी समझ बेहतर होगी। छात्रों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। ऑफिस का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आपके लिए आज का दिन फेवरेबल है। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। अपनी जीवन शैली में बदलाव करेंगे। कठिन समय में सही निर्णय लेने की कोशिश करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में लोग आपसे प्रभावित होंगे। आज आई चुनौतियों से अपनी सूझबूझ और समझदारी से निपटने का प्रयास करेंगे। आज आप जीवन साथी के साथ डिनर पर जाएंगे। नवविवाहित दंपति आज कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। आप कुछ खास काम को अच्छे तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपको तरक्की के कुछ नए साधन मिल सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए आशाजनक रहेगा। विशेषकर आपके निजी जीवन में आप समृद्ध रहेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन सकारात्मक रहेगा। बातचीत दौरान कुछ भी कहने से पहले शब्दों पर ध्यान दें। इस राशि के जातकों को उनके व्यवसाय में काफी लाभ मिलेगा, लेकिन कोई व्यावसायिक निर्णय लेते समय सतर्क रहें। साझेदारी में व्यापार करने से बचें। आज परिवार में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आपके आसपास मौजूद हर व्यक्ति, भले ही आपका दोस्त हो, उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए सही नहीं है। हर काम खुद करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज आपको कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे। आप कार्य क्षेत्र में नई योजनाएं बनाएंगे, उसके अनुसार काम करेंगे। आज कुछ लोग आपके लिए समस्याएं खड़ी करने का प्रयास करेंगे। आप उस पर ध्यान देने के बजाय अपने काम पर फोकस कीजिए। जो लोग बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा है। कोई अच्छी खबर मिलेगी। आप अगर अपने परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो अभी कुछ दिन रुक कर बनाएं। आप अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जरूरतों का ख्याल रखिए। पारिवारिक जीवन हर तरह से बेहतर रहेगा। आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आपका दिन अच्छा बीतेगा। आपका वैवाहिक जीवन सुनहरा रहेगा। आज आपको घूमने फिरने और खुद पर खर्च करने में काफी अच्छा महसूस होगा। व्यवसाय के विस्तार में सफलता मिलेगी। रोजगार या व्यवसाय संबंधित कोई अतिरिक्त योजना बना रहे हैं, तो उसमें आपको सभी का सहयोग मिलने के योग हैं। धन लाभ के स्रोत मिलेंगे। आज बच्चों के किसी प्रोजेक्ट पर काफी पैसे खर्च करेंगे। ये खर्चा आपको अच्छा लगेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भोजन में पौष्टिक चीजें शामिल करें। उच्चाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। ऑफिस में सीनियर्स आपके काम से प्रभावित होकर आपको कोई तोहफा देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपको सफलता दिलाने वाला रहेगा। आप व्यवसाय में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए समय अच्छा है। जो जातक
साझेदारी में व्यवसाय करते हैं उन्हें आज अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं। आपकी मेहनत से आय में वृद्धि होगी। आज बेवजह के विवादों से बचने की कोशिश करें। पहले किए गए किसी निवेश से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपको परिवार का सहयोग मिलेगा। आप दोस्तों के साथ अच्छी पार्टी एंजॉय करेंगे। आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपनी जीवन शैली में कुछ सुंदर से बदलाव कीजिए। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आपके लिए आज का दिन उम्मीदों से भरा रहेगा। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। आपकी पदोन्नति या नई नौकरी मिलने के योग हैं। आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। आप किसी बड़ी कंपनी में निवेश करने का मन बनाएंगे। आज आपको आलस्य से बचना चाहिए, नहीं तो आपके कार्यों को पूरा होने में देरी हो सकती है। आप जीवन साथी के साथ कहीं घूमने की योजना बना सकते हैं। आपके बीच सामंजस्य बढ़ेगा। लवमेट्स के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आप आज आशावादी बने रहेंगे। आज सोशल मीडिया पर आपके किसी पोस्ट को ज़्यादा पसंद किया जाएगा। आज दूसरों के साथ बातचीत करने के कौशल में भी सुधार होगा। आप किसी सही जगह निवेश करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जो नौकरी पाने के इच्छुक हैं उन्हें सफलता मिलेगी। तकनीकी से जुड़े हुए लोगों को नए अवसर मिलेंगे। इस राशि के प्रतियोगी परीक्षा देने वाले जातकों को नए अवसर मिलेंगे। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज आपका दिन खास रहेगा। आज आप कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए अच्छा समय है। सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। जो लोग सिंगल हैं उन्हें मनपसंद जीवन साथी मिलेगा। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। आज आप अपने कार्यों को पूरा करने में मन लगाएंगे। आपको लग्जरी चीज़ों का लाभ उठाने का भरपूर मौका मिलेगा। आज आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। दाम्पत्य जीवन बेहतर बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज आपका दिन रोज से बेहतर रहेगा। आप जीवन साथी के साथ किसी ट्रिप पर जाने का प्लान बनाएंगे। ये आपके रिश्ते को संजोए रखने के लिए आवश्यक कदम होगा। पारिवारिक जीवन खुशहाल रखने के लिए कम्युनिकेशन गैप न होने दें। सबसे बातचीत अवश्य करें। व्यापार में मनचाहा लाभ मिलने से आपके चेहरे पर प्रसन्नता दिखेगी। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। समय पर रूटीन चेकअप कराते रहें। कार्य क्षेत्र में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पैसों के मामले सुलझाने में कई लोग आपकी मदद करेंगे। आपका काम समय पर पूरा हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आपका दिन खुशहाल रहेगा। आज आप अपने परिवार वालों के साथ समय व्यतीत करेंगे। आज आपको जीवन बदलाव संबंधी कुछ नए अवसर मिलेंगे। आज व्यापार में चल रही समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे। अभी आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो कुछ दिन रुक जाना बेहतर रहेगा। आज आपकी बनाई गई योजनाएं सफल होंगी। आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आज आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। करियर के मामले में आपको सफलता मिल सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नई रणनीति बनाएंगे। इससे आपकी योजनाएं सफल होंगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपके किसी प्रोजेक्ट की प्रशंसा भी होगी। जो लोग काफी दिनों से नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दिन शुभ है। कोई अच्छी खबर मिलेगी। व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कहीं किसी जगह की यात्रा लाभकारी सिद्ध होगी। इस दौरान आपको अतिरिक्त खर्चों से बचना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है सैफ्रॉन और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज मंदिर में मीठा भेंट करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को लाल वस्त्र गिफ्ट करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में।
मूलांक एक वालों आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, बच्चों की ओर से आज आपको कोई शुभ सूचना मिलेगी। मूलांक दो लवमेट के बीच लंबे समय से चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी, साथ में कहीं घूमने जाएंगे। मूलांक तीन आज आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आगे चलकर आपके व्यापार में लाभ कराएगा। मूलांक चार आपकी नई योजना से आपकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा, कहीं निवेश करने का मन बनाएंगे। मूलांक पांच अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो आज अचानक आपको मिलेगा। मूलांक छह आज आपको काम से जुड़े लक्ष्य प्राप्त करना आसान लगने लगेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मूलांक सात आपको किसी चीज में अचानक काफी लाभ मिल सकता है, बेहतरीन रिटर्न मिलने की संभावना है। मूलांक आठ आज किसी के द्वारा आपके पारिवारिक समस्याओं का समाधान होगा, जिससे परिवार में सौहार्द बढ़ेगा। मूलांक नौ आज काम से समय निकालकर घर के बच्चों के साथ समय बिताएंगे, बच्चे आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने बात की थी घर में रसोई की सही दिशा के बारे में, और आज हम बात करेंगे घर में बीमार व्यक्ति की सही दिशा में सोने के बारे में। जिस प्रकार हमारे आसपास के वातावरण का हमारे शरीर पर असर पड़ता है, उसी प्रकार वास्तुशास्त्र के अनुसार विभिन्न दिशाओं में उठने बैठने या रहने से भी हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इसलिए घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार है या परिवार के किसी भी सदस्य को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उस व्यक्ति को घर की उत्तर या पूर्व दिशा में बने कमरे में रहना चाहिए। साथ ही सोते समय अपना सिर पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ करके रखना चाहिए, जबकि अपने पैर पश्चिम या उत्तर की तरफ रखना चाहिए। देखिए सिर या तो ईस्ट में रहेगा या साउथ में रहेगा, और पैर या तो पश्चिम में या उत्तर में। इससे बीमार व्यक्ति को भरपूर ऊर्जा मिलती है और जल्दी ही उसके सेहत में सुधार होने लगता है। वास्तुशास्त्र में कल हम बात करेंगे घर के मुख्य द्वार पर गणपति जी की स्थापना के बारे में। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज का पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:18 तक रहेगी। आज शाम 6:35 तक धृत योग रहेगा। किसी भवन एवं स्थान का शिलान्यास, भूमि पूजन या नींव का पत्थर रखने के लिए धृत योग को उत्तम माना गया है। धृत योग में रखा गया नींव का पत्थर आजीवन सुख सुविधाएं देता है, अर्थात यदि रहने के लिए किसी घर का शिलान्यास इस योग में किया जाए तो इंसान उस घर में रहकर सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करता हुआ आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। साथ ही आज पूरा दिन पार करके कल की भोर 4:28 तक मघा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्रों में से 10वां स्थान मघा नक्षत्र का है। मघा नक्षत्र का अर्थ है बलवान या महान। इसका प्रतीक चिन्ह राज सिंहासन को माना जाता है, जो कि शासन शक्ति और प्रभुत्व के साथ जुड़ा हुआ है। आपको बता दूं कि मघा नक्षत्र में तालाब बनवाना, कुएं खुदवाना, चिकित्सा का कार्य, विद्या अध्ययन, लेखन और शिल्प आदि से संबंधित कार्य करना शुभ माना जाता है। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, जबकि इसके अधिपति देवता पितरों को माना जाता है और उसके चारों चरण सिंह राशि में आते हैं, जिसके कारण इस नक्षत्र का सिंह राशि पर प्रभाव पड़ता है। मघा नक्षत्र के प्रभाव में आने वाले यानी मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक सामान्य तौर पर सामाजिक व्यवहार में अच्छे देखे जाते हैं। साथ ही ये सहनशील, श्रेष्ठ बुद्धि वाले, स्पष्टवादी और धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं। इन लोगों के पास अच्छी धन संपत्ति होती है। इसके अलावा मघा नक्षत्र का संबंध बरगद के पेड़ से बताया गया है, लिहाजा जिनका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को मघा नक्षत्र के दौरान बरगद के पेड़ को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, न ही उसके पत्तों को तोड़ना चाहिए और न ही उसकी लकड़ी को तोड़कर किसी प्रयोग में लाना चाहिए। इसके बजाय आपको बरगद के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके धन धान्य में वृद्धि भी होगी। तो ये थी चर्चा आज के दिन पढ़ने वाले धृत योग और मघा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले प्रदोष व्रत के बारे में।
आप जानते हैं कि प्रत्येक महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत करने का विधान है और आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, लिहाजा आज प्रदोष व्रत किया जाएगा। आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। शिव भक्तों में इस व्रत का काफी महत्व है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद शिव जी की उपासना करनी चाहिए। आज के दिन भगवान शिव को बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप और भोग आदि चढ़ाने के बाद शिव मंत्र का जाप करना चाहिए। बता दूं कि किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का बड़ा महत्व होता है। त्रयोदशी तिथि में रात्रि के प्रथम प्रहर यानी सूर्यास्त के बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। सुबह पूजा आदि के बाद प्रदोष काल के समय भी पुनः इसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा आदि करता है और प्रदोष का व्रत करता है, उसको जीवन में चल रही समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है और उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। बता दूं कि वार के हिसाब से प्रदोष व्रत का नामकरण होता है। जैसे अगर सोमवार को प्रदोष व्रत पड़े तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं और आज शुक्रवार है, लिहाजा आज शुक्र प्रदोष व्रत किया जाएगा। शुक्र प्रदोष का व्रत करने से जातक को सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही प्रदोष व्रत कर्ज से भी छुटकारा दिलाने में शुभ फलदायक माना जाता है। कहते हैं आज के दिन को जो व्यक्ति व्रत कर भगवान शंकर की पूजा करता है और किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करता है, उस पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। अतः आज के दिन रात के पहले प्रहर में शिव जी को कुछ न कुछ भेंट अवश्य करना चाहिए। साथ ही आज प्रदोष व्रत के दिन शिव जी के निमित्त कुछ विशेष उपाय करने से अलग अलग फल प्राप्त होंगे। तो आज के दिन कैसे आपको मुकदमे से बाहर निकलने में मदद मिलेगी, कैसे आपकी सेहत बेहतर बनी रहेगी, कैसे आपके बिजनेस की तरक्की सुनिश्चित होगी, कैसे आपको शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, कैसे आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी, कैसे आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियां दूर होंगी और आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी, कैसे आपके परिवार की धन संपत्ति में वृद्धि होगी, कैसे बच्चों को करियर में सफलता मिलेगी, कैसे बिजनेस इन्वेस्टमेंट संबंधी सारी परेशानियों का हल निकलेगा और कैसे आपको अपने विशेष कार्यों में सफलता मिलेगी, अब हम इस सब की चर्चा करेंगे। अपने दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए आज के दिन शिव मंदिर में जाकर शिव जी और माता पार्वती पर एक साथ मौली यानी कलावे को 7 बार लपेट दें और ध्यान रहे कि 7 बार धागा लपेटते हुए उसे बीच में तोड़ना नहीं है। जब पूरा 7 बार लपेट दें तभी हाथ से धागे को तोड़ें। एक बात और कि धागा तोड़ने के बाद उसमें गांठ ना लगाएं, उसे ऐसे ही वहां लपेट कर छोड़ दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियां जल्द ही दूर होंगी और आपके रिश्तों में मिठास आएगी। अपने किसी विशेष कार्य की सफलता के लिए आज के दिन दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और दूध चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने के लिए आज के दिन एक कटोरी में थोड़ा शहद लें और उसमें से उंगली की मदद से शहद निकालकर शिव जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उस कटोरी में बचे हुए शहद को अपने हाथों से अपने बच्चों को खिला दें। आज के दिन ऐसा करने से अपने बच्चों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। अगर आप किसी बात को लेकर मानसिक रूप से परेशान हैं तो आज के दिन शाम के समय शिव मंदिर में जाकर या घर पर ही भगवान शंकर की मूर्ति या तस्वीर के आगे आसन बिछाकर बैठ जाएं और गहरी सांस लेते हुए ओम शब्द का 5 बार उच्चारण करें। इस तरह कहना है ओम। इस तरह आज के दिन ऐसा करने से आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी। अगर आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आज के दिन भगवान शंकर को 11 बेलपत्र अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से बिजनेस इन्वेस्टमेंट संबंधी आपकी सारी परेशानियों का हल जल्दी ही निकलेगा। अपने परिवार की सुख शांति के लिए आज के दिन शाम के समय शिव मंदिर में जाकर एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक जलाएं। आपको बता दूं कि घी का दीपक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होता है, जबकि तेल का दीपक
अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए होता है। साथ ही घी के दीपक में रुई की खड़ी सफ़ेद बत्ती लगाएं और तेल के दीपक में पड़ी हुई यानी लेटी हुई लाल बत्ती लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। अपनी अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए आज के दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान को सूखा नारियल अर्पित करें और साथ ही अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए शिव जी से प्रार्थना करें। अगर नारियल अर्पित करने के लिए आज प्रदोष काल में यानी शाम के समय शिव मंदिर जाएं तो और भी श्रेष्ठ होगा। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। अपने बिजनेस की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के लिए आज के दिन शाम के समय रंगोली वाले 5 अलग अलग रंग लेकर शिव मंदिर में जाएं और उन रंगों से एक गोल फूल की आकृति वाली रंगोली बनाएं। अब इस रंगोली में बीचों बीच घी का दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर शिव जी का आशीर्वाद लेते हुए ध्यान करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। अपनी धन संपत्ति में वृद्धि के लिए आज के दिन 1.25 किलो साबुत चावल और कुछ मात्रा में दूध लेकर शिव मंदिर में दान करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी और आपके परिवार की धन संपत्ति में वृद्धि होगी। अगर आप किसी मुकदमे में फंसे हैं और उसके चलते आपकी परेशानियां घटने के बजाय बढ़ती जा रही हैं तो आज के दिन धतूरे के पत्ते को पहले साफ पानी से धो लें, फिर उन्हें दूध से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको मुकदमे की परेशानियों से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के दिन शमी पत्र को साफ पानी से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने शत्रुओं से जल्दी ही मुक्ति मिलेगी। अपने दाम्पत्य जीवन में मिठास घोलने के लिए आज के दिन शिव जी को दही में शहद मिलाकर उसका भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज धृति योग, मघा नक्षत्र और शुक्र प्रदोष व्रत के बारे में। आज हमने इस सब की चर्चा की है, उम्मीद है कि आप इस सारी चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, आज के दिन आय के स्रोतों में वृद्धि होगी और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। बी, आर्किटेक्चर का काम कर रहे लोगों के काम की तारीफ होगी जिससे आप पूरा दिन खुश रहेंगे। सी, आपकी प्रतिभा खुलकर सबके सामने आएगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे। डी, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, उस काम में आपको उम्मीद से ज्यादा लाभ होगा। ई, घर पर आपकी शादी की चर्चा हो सकती है, आप मन ही मन प्रसन्न रहेंगे। एफ, बिजनेस के सिलसिले में कोई अच्छा फैसला लेंगे, ये फैसला आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद रहेगा। जी, आज के दिन आपको किसी पुराने क्लाइंट से अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। एच, आज के दिन आपको व्यापार व कामकाज को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। आई, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होंगी जिससे आपको आनंद की अनुभूति होगी। जे, पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार ही बात करें। के, किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, परिवार में खुशी की लहर उठेगी। एल, आर्थिक लाभ के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है जिससे आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। एम, छोटे बच्चों को आज पिता से कोई गिफ्ट मिल सकता है जिससे आप बहुत खुश होंगे। एन, कुछ नए कॉन्टैक्ट्स आपकी लिस्ट में बढ़ेंगे, ये कॉन्टैक्ट्स आपके लिए फायदेमंद होंगे। ओ, समाज सेवा के कार्य में आपकी रुचि बनी रहेगी, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। पी, घर में मेहमानों के आगमन से आपके खर्चों की थोड़ी ज़्यादा अधिकता बढ़ सकती है, यानी खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। क्यों, आज का दिन
घर के रखरखाव संबंधी कार्यों में व्यतीत होगा और आज आप किसी नए काम की योजना बनाएंगे, उस योजना में आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। एस, पिछली बातों को पीछे छोड़कर आज आप आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। टी, व्यापार में परिवर्तन की योजना बनाएंगे, ये परिवर्तन आपके लिए लाभदायक रहेंगे। यू, पिता का मार्गदर्शन मिलेगा जिससे आपको सही रास्ता नजर आएगा। वी, दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जा सकते हैं जिससे आप पूरा दिन खुश रहेंगे। डब्ल्यू, संगीत के क्षेत्र में आपका खुशनुमा समय व्यतीत होगा, कोई बेहतरीन मौका आपको प्राप्त होगा। एक्स, बैंक से जुड़ा कोई काम आपका रुका पड़ा है तो वो काम आज पूरा हो जाएगा। वाई, आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा जिससे आपको कोई कामयाबी हासिल होगी। जेड, व्यापार में नए प्रस्तावों से आपको लाभ होने के योग हैं, साथ ही आपको अतिरिक्त धन लाभ होगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के देवास जिले में, जहां देवी माता का एक प्राचीन मंदिर स्थापित है। इस मंदिर को देवास माता टेकरी मंदिर कहा जाता है। यह स्थान मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास ही स्थित है। देवास की टेकरी पर स्थित मां भवानी का यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है। लोक मान्यता है कि यहां देवी मां के दो स्वरूप अपनी जागृत अवस्था में हैं। इन दोनों स्वरूपों को छोटी मां और बड़ी मां के नाम से जाना जाता है। बड़ी मां को तुलजा भवानी और छोटी मां को चामुंडा देवी का स्वरूप माना गया है। लोग दूर दूर से माता के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, दर्शन करने के लिए अपनी मनोकामनाएं लाते हैं। माना जाता है कि माँ अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा भी करती है, तो आप भी घर बैठे कीजिए माँ के इस अद्भुत स्वरूप के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी सामान्य कान वाले लोगों के स्वभाव के बारे में, और आज हम बात करेंगे बेहद छोटे कान वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। कई लोगों के कान अपेक्षाकृत बहुत ही छोटे होते हैं। ऐसे कान वाले लोगों के पास खूब धन दौलत होती है। स्वभाव से छोटे कान वाले लोग थोड़े चंचल होते हैं, लेकिन भगवान और पूजा पाठ में विश्वास रखने वाले होते हैं। परंतु कई बार जब कहीं इनका काम अटक जाता है तो ये सारे पाप पुण्य भूल जाते हैं और दूसरों से अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में कल हम बात करेंगे आकृति में गोल कान वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 22 मार्च फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि में बैंगन का सेवन करना निषिद्ध है, ये आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। त्रयोदशी तिथि आज का पूरा दिन और पूरी रात पार करके कल सुबह 7:18 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज भगवान शंकर को माला अर्पित करें, माला चढ़ाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।